आजकल आप सभी जो भी ब्लॉगिंग करते हैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे इस तरह के स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर। किसी का एडसेंस पे 10,000, किसी का 5,000, किसी का 4,000 इस तरह की अर्निंग हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, ये सब जानेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा एडसेंस से पैसा कमाने के कुछ तरीके, यानी गूगल एडसेंस अगर आपके पास है तो आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आप सभी को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल लेते हैं और उस पर ट्रैफिक आता है, हम उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन यहीं पे जो ट्रैफिक वाला शब्द है ये अपने आप में काफ़ी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 90% या कह लीजिए 99% लोग जो है ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर ला ही नहीं पाते हैं। भले ही उनके पास एडसेंस अकाउंट हो, भले ही उनके पास ब्लॉग हो, बट उनके पास ट्रैफिक नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी कमाई नहीं होती है। लेकिन वहीं पर हम दूसरे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखते हैं, लोग शेयर कर रहे हैं कि भाई मैं आज $500 कमाया, आज मैंने $100 कमाया, इस महीने मैंने $10,000 कमाया, ऐसे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम क्या मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें डिटेल में आप लर्न कर सकते हैं और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इस पर वीडियो भी बनाएंगे हर एक पर डिटेल से। तो देखिए, एडसेंस से जो पैसा कमाने के तरीके हैं बहुत सारे ऐसे जानते भी होंगे, लेकिन जो मैं सबसे पहला इसमें आपको बता रहा हूँ वो है एडसेंस आर्बिट्रेज। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, एडसेंस आर्बिट्रेज क्या होता है, इसके बारे में शायद आपने सर्च भी किया हो, बट यहाँ पे मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। आर्बिट्रेज का मतलब सिंपल सा ये होता है, जो है लाइक ए डिजिटल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आर्बिट्रेज का मतलब होता है हम किसी से लो कॉस्ट पे ट्रैफिक बाई करते हैं और हम किसी एडवर्टाइजर को उस ट्रैफिक को हाई कॉस्ट पे सेल कर देते हैं, और जो हम लाइक जो हम जो खरीदे रहते हैं उसमें और जो हम सेल करते हैं उसको माइनस करने पे जो पैसा बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से ₹1 पे ट्रैफिक खरीदा और हमने उसको ₹1.5 पे किसी एडवर्टाइजर को सेल कर दिया और उसमें से हमारा कितना बचा, 50 पैसे हमारे प्रॉफिट के बच गए। और ये स्केलेबल है तो इसको लोग स्केल कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए होती है। जैसा मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि जो तरीका स्केलेबल होता है उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए होती है। एडसेंस आर्बिट्रेज एक ऐसा तरीका है जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और इसके लिए सिंपल सा क्या करना होता है, हमारे पास एक ब्लॉग होता है, हम उस पर एडसेंस अप्रूवल लेते हैं, कुछ दिनों तक उस पर काम करते हैं, उस पर ट्रैफिक ऑर्गेनिक तरीके से रेफरल तरीके से आना स्टार्ट हो जाता है, हम पहला पे आउट लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो करते हैं मैं वही बता रहा हूँ, पहला पे आउट ऑर्गेनिक तरीके से लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं स्केलिंग पे आते हैं। स्केलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैफिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। लाइक सिंपल सा आर्बिट्रेज के लिए जो ट्रैफिक मीडियम इस्तेमाल होते हैं वो पेड होते हैं। तो इसमें जैसे तबूला का आपने नाम सुना होगा, लोग तबूला ऐड लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे, अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखेंगे एक ब्लॉग पे जा रहा है जहाँ पे एडसेंस अप्रूव्ड है ऑलरेडी। तो इसी तरीके के लोग ऐड लगाते हैं तबूला पे, इसी तरह आउटब्रेन हो गया वहाँ पे लगाते हैं, MGID हो गया वहाँ पे लगाते हैं, फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करते हैं लोग ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइक ऐड चलाने के लिए तो पैसा दे रहे हैं तो हमें पैसा बन कैसे रहा है। अब इसका देखिए, इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ। जब भी हम आर्बिट्रेज को टारगेट करके ब्लॉग बनाते हैं तो एक हाई CPC ब्लॉग बनाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता हाई CPC क्या होता है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे हाई CPC ब्लॉग नीच, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इस पर ब्लॉग बनाते हैं जिसपे एक क्लिक के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम कम दाम लगा के ट्रैफिक खरीदते हैं और उस ट्रैफिक को गूगल एडसेंस को सेल करते हैं जिससे हम ज़्यादा पैसा बनाते हैं। यही टेक्निक है, सेम वही हम बाय एंड सेल करते हैं मीडिएटर का। तो हम क्या करते हैं, फेसबुक पे, तबूला पे, इन पे हम लाइक ऐड चलाते हैं कम कीमत पे, और जो हमें वहाँ से ट्रैफिक आती है वो एक हाई क्वालिटी ट्रैफिक होती है, क्योंकि हमारे ब्लॉग का जो CPC है, RPM है, हाई होता है, उससे हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, तबूला पे हम $100 का ऐड चलाते हैं तो यहाँ पे मे बी हमें $110-$120 अर्निंग हो जाता है, तो हमारा 20% का मार्जिन हो जाता है जो कि हमारे लिए बेनिफिट होता है और हम इसको स्केल कर सकते हैं। लाइक 1000 का चलाएंगे तो हमारी अर्निंग यहाँ पे $200 की हो जाएगी।
तो इस तरीके से लोग आर्बिट्रेज का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और सबसे खास बात यहाँ पे लाइक इंडिया के लिए तो आर्बिट्रेज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइक आपका आरपीएम ऑलरेडी लो होता है, सीपीसी ऑलरेडी लो होता है। तो अगर आप लाइक आर्बिट्रेज के थ्रू जा रहे हैं तो आपका जो है एड्स पे स्पेंड है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपको इनकम कम होगी। तो आपको टायर वन कंट्रीज चुनना होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह के कंट्रीज को टारगेट करके। जो दूसरा तरीका है, बहुत बार इस शब्द का नाम भी आपने सुना होगा, एडसेंस लोडिंग। देखिए ये काफ़ी रिस्की भी है और मैं इसे कहूँगा कि हर किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट जो देखिए हो सकता है बहुत सारे लोग रिस्क ले रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं, राइट, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके यहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पर अपना शेयर करते हैं उनमें ज़्यादातर लोग एडसेंस लोडिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। अब जिनका अब इसका सिंपल सा आइडिया आपको लग जाएगा पता करने का, जिनका आरपीएम बहुत हाई होगा ना, वो समझ जाना कि इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक और बड़ी चीज़ में मैं बता दूं, इसमें जो पैसा पे आउट होता है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइक ये सपोज आप पूरे मंथ काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा तो $10,000 $12,000 बन रहा है, बट आपका पे आउट आने से पहले ही एडसेंस खत्म हो सकता है। तो इसमें जो रिस्क लेवल है बहुत हाई है। तो इसमें मैं कहूँगा अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने मेन अकाउंट पे ट्राई मत करना। और मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक वे है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करके जादू कमा सकते हैं। बट अब आती है बात मेन, एडसेंस लोडिंग करते कैसे हैं, राइट। आपने नाम तो सुना होगा एडसेंस लोडिंग का, तो इसमें एडसेंस लोडिंग कैसे करते हैं। देखिए एडसेंस लोडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है लोग सेल्फ क्लिक करते हैं। अब सेल्फ क्लिक कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा तरीका है लोग सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके हाई अमाउंट ट्रैफिक बाय करते हैं ग्रुप से। तो ये दोनों तरीके काफ़ी पॉपुलर हैं और भी बहुत सारे अलग अलग वे अपने तरीके से लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो लोडिंग का मतलब है ह्यूज अमाउंट ट्रैफिक यहाँ पे डालना या फिर एक आप हाई सीपीसी कीवर्ड पे क्लिक्स गेन करना, ये इसका मेजर जो है मकसद होता है, ताकि हम एक क्लिक पे ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकें। सिंपल सा इसका फंडा है कि अगर हाई सीपीसी वाले एड्स देखेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो किसी पे $50 किसी पे $100 ऐसे क्लिक्स के मिल जाते हैं। अब इसको करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, आर्बिट्रेज की तरह ही। आर्बिट्रेज में भी पैसा लगाना पड़ता है, इसमें भी पैसा लगाना पड़ता है। और इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी टेक्निकल है। बहुत सारे लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोडिंग में वीपीएन का इस्तेमाल करके। वीपीएन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो चुटकी लगता है किसी को, लाइक गूगल को पकड़ने में कि आप एडसेंस लोडिंग कर रहे हैं और आपका जो प्रॉक्सी है वह एक्सपोज हो चुका है, आपका जो आईपी है एक्सपोज हो चुका है गूगल के सामने। बट वीपीएन का इस्तेमाल करके तो एकदम नहीं करना है। अगर आपको लोडिंग में जाना है तो एकदम ये तो करना ही नहीं है, वीपीएन इस्तेमाल ही नहीं करना। एडसेंस लोडिंग के लिए जो टेक्निक होता है उसमें सबसे पहला तो आप एक हाई सीपीसी नीच पे ब्लॉग बनाते हो और एडसेंस अप्रूवल रेगुलर वे में कराते हो। जो मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही जेन्युइन वे है, इसको ट्राई कर सकते हैं, बट रिस्क लेवल हाई है, मैं पहले ही बता देता हूँ और मैं केवल जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ। ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूव होने के बाद हमें जो सबसे पहला इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है वो होता है RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। RDP को मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो RDP हम यहाँ से इंडिया में बैठे बैठे हम अपना सर्वर US में एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं RDP के थ्रू, हम किसी भी कंट्री का। और RDP सिंपल अगर आप सर्च करेंगे US RDP तो आपको गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जो $9 $10 $15 पर मंथ में आपको 2 GB 3 GB 4 GB का एक कंप्यूटर सिस्टम RDP के थ्रू देते हैं, जिसको आप अपने मैक से भी अपने विंडोज़ पे भी लॉगिन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर विंडोज़ सर्वर का ही इस्तेमाल होता है, तो विंडोज़ सर्वर आसानी से मिल जाएगा जहाँ से आप है, आपका लोकेशन तुरंत चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें रियल चेंज होता है, रियल लोकेशन चेंज होता है, आपको एक US की IP असाइन हो जाएगी। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, केवल एक RDP पे एक US की IP असाइन होती है। अब इसमें अगर आप सेल्फ क्लिक करते हैं तो मान लीजिए एक या दो कर सकते हैं, लाइक एक सिंगल IP पे तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बड़ा खेला शुरू होता है, अब यहीं से शुरू होता है प्रॉक्सी IP का खेल। फॉर एग्जाम्पल IPRoyal.com, इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से हम IP खरीद सकते हैं US के,
रेजिडेंशियल आईपी जो इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है वो लोग बाय करते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग पैकेजेस मिलते हैं, जैसे लाइक एक पैकेज भी बेचते हैं जिसमें हम रेजिडेंशियल आईपी खरीद लेते हैं प्रॉक्सीज के थ्रू। आप सर्च करेंगे लाइक यूएस प्रॉक्सीज या रेजिडेंशियल आईपी, यूएस रेजिडेंशियल आईपी, तो आपको मिल जाएंगे। हर एक कंट्रीज के मिलते हैं जिसको आप टारगेट करें वहाँ के बाय कर सकते हो। अब ये खेल हो जाता है। देन तीसरा आता है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर का खेल, ठीक है। इसमें इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर से हम लाइक हम अपना लोकेशन आईपी और यूजर एजेंट के थ्रू एकदम 100% जो गूगल डिटेक्ट ना कर पाए ऐसा कर सकते हैं। अगर वहीं पे हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा सर्वर भी यूएस में है आरडीपी के थ्रू, तो हम वहाँ पे ये खेल कर सकते हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउजर के थ्रू। अब इसके लिए एंटी डिटेक्ट ब्राउजर बहुत सारे हैं। आप गूगल पे ऐसे सर्च करेंगे एंटी डिटेक्ट ब्राउजर तो आपको बहुत सारे ब्राउजर्स मिल जाएंगे जो है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लाइक जिसको खरीद सकते हैं। ये भी पेड होता है, इनमें भी अलग आते हैं, कुछ फ्री में भी देते हैं, जैसे इसमें एड्स पावर या डॉल्फिन, ठीक है, इनकॉग्निटन, ये सब बहुत पॉपुलर एंटी डिटेक्ट ब्राउजर हैं। आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, कीवर्ड मैं बता दे रहा हूँ, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हम सेटअप कर लेते हैं तो अलग अलग आईपी से हम खुद पे भी क्लिक कर सकते हैं, खुद से क्लिक करते हैं। लाइक हमारा आईपी अलग अलग होता है तो हम एक आईपी से एक दो क्लिक कर लेते हैं, तो इससे अलग अलग हम प्रॉक्सीज के आईपी का इस्तेमाल करके क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम अर्निंग करते हैं एडसेंस लोडिंग का। दूसरा जो तरीका है एडसेंस लोडिंग का, सेम इसमें करते हैं, हम सर्वर लेते हैं, आरडीपी लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एंटी डिटेक्ट ब्राउजर के थ्रू लाइक अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर में फ़ायदा ये होता है प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल का मतलब हर एक प्रोफाइल में एक अलग ब्राउजर हम बना सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज का। तो उसमें हम क्या है डिवाइस के हिसाब से लाइक मोबाइल फ़ोन हो गया, एप्पल फ़ोन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इस तरह अलग अलग डिवाइसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फेसबुक अकाउंट बना के, सोशल मीडिया अकाउंट बना के वहाँ पे हम कंटेंट को शेयर करते हैं, फिर वहाँ से जाके उस पर क्लिक करके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये तरीका भी आजमाते हैं बहुत सारे लोग बल्क ट्रैफिक भी ड्राइव करवाते हैं ग्रुप्स के थ्रू। तो जो लोडिंग का अलग अलग मेथड लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है, बट जो लाइक एक ट्रेडिशनल वे है वही जो मैंने पहले बताया कि लोग क्या करते हैं आरडीपी के थ्रू जाते हैं उस लोकेशन पे और वहाँ से खेल करते हैं। तो ये दो सबसे पॉपुलर तरीका है जिसका इस्तेमाल आज के समय में लोग कर रहे हैं। और देन आता है थर्ड तरीका है जिससे आप एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं, वो है लाइक देखिए इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वेबसाइट आपके पास होना चाहिए एडसेंस अप्रूव्ड, ये उसके बाद का प्रोसेस है। ये ट्रैफिक ड्राइव करने का प्रोसेस है, क्योंकि एडसेंस से अर्निंग तभी होगा जब ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। तो ये डिफरेंट वे है जिससे आप ब्लॉग पे ट्रैफिक क्लिक्स एडसेंस पे वो ड्राइव कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है पेड ट्रैफिक। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फटाफट ब्लॉग पे अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो पेड वे हैं, बहुत सारे हैं, जैसे डिस्प्ले ऐड गूगल का मान लीजिए, फेसबुक ऐड मान लीजिए, तबूला मान लीजिए, कोरा का ऐड मान लीजिए, रेडिट का ऐड मान लीजिए, पिंटरेस्ट का ऐड मान लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप पेड ऐड रन कर सकते हो अकाउंट बना के और देन वहाँ से ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे ड्राइव कर सकते हो। तो इसका भी कंप्लीट स्ट्रेटजी होता है, अगर आप कहेंगे तो हम ये कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाएंगे। वैसे भी लास्ट वीडियो में मैंने अपना दिखाया था कि लाइक हमने प्रॉपुलर ऐड पे पुश जो है पेड पुश का हमने ऐड चलाया था, उसका मैंने दिखाया था रिजल्ट कि कितना क्लिक्स आया, कितना ये सारी चीज़ें आए, तो वो भी जाके आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये पेड ट्रैफिक से आप जनरेट कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोग अगर पेड की बात करें पेड पैसे देके तो टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अगला तरीका है यानी चौथा, इसमें जो तरीका है उसके बारे में आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाई अमाउंट में ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए पूरा डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं और उस ट्रैफिक से एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग रील्स के थ्रू, बहुत सारे लोग मूवी क्लिप्स फेसबुक पे डालते हैं वहाँ पे लिंक ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब के थ्रू ट्रैफिक ड्राइव करते हैं। तो अलग अलग वेज हैं जहाँ से आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। बहुत सारे लोग पिंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करते हैं अपने ब्लॉग पे और फिर वो ट्रैफिक एड्स पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो ये तीसरा तरीका है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नंबर वन है वो सबसे जेन्युइन तरीका माना जाता है, वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीका क्या है, मतलब अगर कोई बंदा गूगल पे कुछ क्वेरी करता है और कोई वेबसाइट पे क्लिक करता है तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक या सर्च ट्रैफिक, ठीक है। तो ये सबसे जेन्युइन तरीका है
गूगल एडसेंस से पैसे कमाने का, और गूगल एडसेंस ने इसी को फोकस करके ही ये पब्लिशर अकाउंट देता है ज़्यादा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अच्छे कंटेंट लिखने होते हैं, एसईओ करना होता है, इससे हमारी कीवर्ड रैंकिंग आती है। जब कीवर्ड रैंकिंग आती है तो कोई क्वेरी सर्च करता है, उस क्वेरी पे हमारा ब्लॉग रैंक करता है, उस पे कोई क्लिक करता है तो हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है। तो ये डिफिकल्ट वे है, टाइम टेकिंग वे है, बट सबसे जेन्युइन तरीका है, लंबे समय तक ये सस्टेन रहता है। तो ये तरीके हैं जिससे आप, अगर आपके ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूव्ड है तो इसके थ्रू आप ट्रैफिक और क्लिक्स अपने ब्लॉग पे एडसेंस पे पा सकते हैं और उससे पैसे जनरेट कर सकते हैं। अब बात आती है मेन, क्या हमें करना चाहिए। देखिए तीन जो थ्री वे हैं, पहला सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक और पेड, ये मैं कहूँगा हर कोई ट्राई कर सकता है, बट जो आर्बिट्रेज है और लोडिंग है इसको मैं कहूँगा अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने एक सप्लीमेंट या एक अपने एडिशनल ऑप्शनल एडसेंस अकाउंट पे ट्राई करिए, मेन अकाउंट पे तो कभी ट्राई मत करना। पहला पे आउट लेने के बाद ही ट्राई करना, जब पहला पे आउट आ जाए, अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, थोड़ा सा सोशल ट्रैफिक है, तो उस ट्रैफिक को मिक्स करके ट्राई कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा यार ये भी क्या होता है एक बार बता दो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को जानकारी दे दिया जाए कि जो अभी के टाइम पे जो 5 मेजर वे हैं जहाँ से लोग एडसेंस से अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, जिसका माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एडसेंस से अर्निंग देखिए कब होता है, जब ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है, और वो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए ये 5 मेजर वेज हैं जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, और यही तरीका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट अपने रिस्क पे, मुझे ब्लेम नहीं करना, जो कि आर्बिट्रेज और लोडिंग मैंने बताया है। लोडिंग का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, मैं इस पर बनाना नहीं चाहता, थोड़ा सा इथिकली सही नहीं है, बट मैंने बता दिया कैसे काम करता है। बाकी आपको R&D करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉगिंग में हैं तो ब्लॉगर को मैं मानता हूँ, बहुत रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, ट्राई करने से डरते नहीं है, तो ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली, आप कितना रिस्क लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।